विजय रथ यात्रा के दौरान मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव, बीजेपी पर सादा जमकर निशाना। मैनपुरी बीजेपी सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार का है बोलबाला, लाल टोपी से घबराती है बीजेपी। विजय रथ यात्रा के दौरान जनपद मैनपुरी के क्रिश्चियन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव जनता की भीड़ को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने विजय रथ से संबोधित करते हुए जनता से कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि समय वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वे अपराधी किस्म के हैं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कई मुकदमे लगे हुए थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने सारे मुकदमे खत्म किए हैं। ऐसा कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया जो इन्होंने किया है। उन्होंने किसानों के हित में बात करते हुए कहा कि किसान भाइयों की बोरी से इस बीजेपी सरकार ने 5 किलो खाद चोरी कर ली है, तो ऐसे चोर सरकार को हटाने का जनता एक बार फिर रुख करेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी सरकार बनने से पूर्व बीजेपी वाले कहते हुए दिख रहे थे कि चप्पल पर चलने वाला मजदूर किसान हवाई जहाज में घूमेगा, लेकिन महंगाई के चलते डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि अपनी मोटरसाइकिल तक नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह इस भ्रष्ट सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो जनता के लिए विकास बना हो। यहाँ तक पूरे प्रदेश में ऐसी कोई भी सड़क नहीं बना पाए हैं जिसे जनता जाने। उन्होंने सैनिक स्कूल का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह का स्कूल बनाया था जो अभी अधूरा था, लेकिन बीजेपी सरकार उसे आज तक पूरे 4 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं कर सकी है। मैनपुरी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।